ये तीसरा कप चाय है जो यहाँ पर आके पोस्ट पे मैंने मांगा है, क्योंकि चाय है ही इतनी अच्छी। इतना मत फैल। अब पता नहीं भारतीय सेना को पाकिस्तान का नाश्ता, पाकिस्तान की चाय क्यों पसंद है। हो सकता है फिजा वो चाय तुम्हारे दूध की बनी हो। क्यों हमारे दुश्मन का दिल इतना ललचाता है कि पाकिस्तान की चाय पी जाए। क्यों कहा जाता है कि टी इज फैंटास्टिक। फिजा छोड़ो यार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, कब तक अपने मुंह से खुद की तारीफ करती रहोगी। आज ना तुम अपनी तारीफ करो और ना मैं तुम्हारी बुराई करूंगी। आयत जानते हैं अदर कंट्री के सिटीजन से कि तुम्हारी चाय में कितना दम है। Why? क्योंकि इन पाकिस्तानियों को भाई साहब अपनी कुत्ते खानी करवानी होती है। क्योंकि वाकई टी इज फैंटास्टिक। इंडियन टी इज बेटर। सॉरी ब्रो। नो द टी इन इंडिया इज बेटर। इंडियन टी इज बेटर। सॉरी ब्रो। हाँ तो भाई करवा ली बेइज्जती, आ गया स्वाद। बट देयर सोल्जर्स ड्रिंक फ्रॉम हियर। Hey, chup. Nay, I know what you're trying to make me do. No, I'm not gonna troll India. वैसे तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, गोरिया नु दफा करो, लेकिन इस गोरे को सुनने के बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। I like it. Okay, bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. वाह गोरे भाई, गोरे भाई थैंक यू। पाकिस्तान में जाकर जय हिंद बोल के आया है। जय हिंद, थैंक यू। फिजा अब बात कर लेते हैं हमारी चाय की। One chai, please. Don't sweat the technique. इसे देखकर दुनिया भारत पर थू थू करने लगी। जो तो पहुंचा सातवीं फेल। बिल गेट्स भी भारत की चाय के दीवाने हैं। वहीं जब बिल गेट्स पाकिस्तान गए थे तो तुम पाकिस्तानियों ने बिल गेट्स को क्या दिया था? The word of हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान। मगर क्यों? हमारी चाय का खर्चा बढ़ जाता है। आपको बताएं कि बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड देने की तकरीबन जारी है। The President of the Islamic Republic of Pakistan. अच्छा। Mr. William Henry Gates III. ठीक है समरिया। May I request you to decorate the word of हिलाले पाकिस्तान? नहीं। नहीं मैं पूछती हूँ ये अवार्ड है या न्योता दे रहे हो कि आओ भाई पाकिस्तान को हिला लो। पाकिस्तान कोई झाड़ है क्या जिसको हिलाने से बेर आकर गिरेंगे और बिल गेट्स बेर खाता भी होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। बात कर लेते हैं इस रिहाना की। भाई साहब इन्होंने बोला था भारत एक गरीब देश है। ये छपरी बोल रही थी कि भारत एक गरीब देश है। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मतलब नोटू का चक्कर देखो भैया, उसी भारत में नाचने को आ गई। के प्री मीटिंग में रात भर ऑर्केस्ट्रा में इसको नचाया 65 करोड़ रुपया देके। खैर इसका नाच देखकर मैं इसे नाच तो नहीं बोलूंगी, बवासीर ही कहूंगी। बताइए स्वाद आया अब? पैसा बर्बाद बहन चोर। इसके इस अश्लीलता पर इतने पैसे मतलब वसूल नहीं हुए। मैं अंबानी जी से कहना चाहती हूँ पैसे वसूल तो करते, आप सब मिलकर ना मेरी बात अंबानी जी तक पहुँचाओ। हम करते हैं प्रबंध। इस रिहाना मैडम को भारतीय ट्रेडिशनल लहंगा पहनाते, इसके हाथों में दो डंडिया देते वो डांडिया वाली, और फिर इससे गरबा करवाते। तब आता स्वाद और तब पैसे वसूल होते। अरे वाह गुड आइडिया। क्या बोलते हो गुज्जू? भाई ने बोला करने का तो करने का। नाज़िन कुछ जख्म भर तो जाते हैं लेकिन वो जख्म अपने निशान हमेशा के लिए समझें कि छोड़ जाते हैं। जब जिल्लत मुकद्दर बन जाती तो फिर सारी उम्र उसका रोग लगा रहता है। और वो जो जिल्लत के दाग हैं कभी धुलते नहीं है, बल्कि हमेशा आप समझ लें कि उनका अक्स दिखाई देता है। पंगे लेने से बाज नहीं आता भारत। अब भारत को घुस कर मारने का बड़ा शौक है। जी घुस कर मारा। अरे मारे कौन मार गया यार फिजा को घुस के? पक्का ये मेरे किटकैट सी होंगे। अबे साले मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी। क्या बात कर रहे हैं? शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है। गुड मेजर, जय श्री राम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता तुम इंडियन मुस्लिम पर अपना हक क्यों जताते हो? क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है। शाहरुख खान का तुमसे क्या लेना देना? भारत जैसा मुल्क जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है, अगर कहीं पे मीडिया तबाह हुआ है
तो वो भारत है। हाँ तो कुमार सिम्हा मैं बोलना चाहती हूँ, आज उसी भारत के व्यूअरशिप पाने के लिए तुम उसी भारत को चुम्मी दे रहे हो, उसी भारतीय मीडिया को चुम्मी दे रहे हो, भारत की हर चीज को चुम्मी दे रहे हो। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से। क्या बोलूं मैं तुम्हारे इस दोगलापन को, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक एक्टर है, वो पूरी दुनिया का एक रेनाउंड एक्टर है, और आज और उसके वो भारत के अंदर सेकंड ग्रेड सिटीजन है। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं। बहुत पैसे हैं मेरे पास गरीबों, सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ हैं। शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया। वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं है, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं। ये ध्यान रखिए कमर चीमा जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, बेसिकली मजबूरी है आपकी। अबे वो जिन्ना की टिब्बी, हमारी मजबूरी नहीं है इन खान वान को देखना, हम जिनको स्टार बना भी सकते ना, जारी बात है उनको गिरा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा की कैसे चड्डी लाल की थी। जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से अग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट टैलेंट में तो कोई मतलब नहीं है, टैलेंट है, अगर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसलमान अदाकार, तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे, उसकी मजबूरी बन जाएगा ना। शाहरुख खान या सलमान खान किसी को एहसान तो नहीं कर रहे हैं, वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकार के नाम से फिल्म बिकेगी। ये बॉलीवुड मुसलमान, अच्छा वैसे माशाल्लाह आप नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे। अच्छा बेटा बॉलीवुड का भी एक बाप है और उसे, और उसे हम दादाजी कहते हैं। दादाजी नहीं, अंबानी कहते हैं। शाहरुख खान ने बोला था तीनों खान को एक फ्रेम में ले आया, उसकी चड्डी बनियान बिक जाएंगी। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी। अच्छा तो कैसी आप, फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी। एंड और इसे कहते हैं पैसे की पावर। ना सिर्फ तीनों खानों को एक साथ नचवाया बल्कि शाहरुख खान से जय श्री राम का नारा लगवाया। As you know, we are great believers in Lord Ram. जय श्री राम। जय श्री राम and I pray for all of you, your whole family to always be happy. और बॉलीवुड की नक चुड़ी एक्ट्रेस देखो कैसे खड़ी है। और इतना ही नहीं, सलमान खान को बैकग्राउंड डांसर बना दिया। Look at this dude. Wait till you see the No. ये बॉलीवुड की औकात है अंबानी के सामने। मजबूर है, परेशान है। They all are Indian first. आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? पहले मुसलमान है जनाब, पहले हिंदुस्तानी है। तो मान लेते हैं आपकी बात के वो भारतीय हैं, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारतीय तो समझ के उनको इज्जत दें। इनके बेशुमार फनकार ऐसे हैं जो वहाँ पे सफर करते हैं मुसलमान होने की वजह से, वो जो जावेद अख्तर साहब हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स आपको दूं? ओके, हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। इड्डा जहर पर है ना जनानी, इच्छा तारी नागन फेल कर दवे। आफिजा जी, आपके इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए। क्या इस क्या बात को आप अरे मेरी जहरीली फिजा, तुझे प्यार की लैंग्वेज कहाँ समझ में आती है? बस वी लव यू पगलेट। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो अमन चाहता है। अमन, अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और अमन चाहता है। A few moments later. और झूठी बकवास करता है, इतना जहर भरा हुआ है, बल्कि जहर की फैक्ट्री लगी हुई, इतना इस्तेमाल होने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। ओहो फिजा, किसने जहर भरा तुम्हारे अंदर? ये मैं आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो यो टू भाई।